गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मम्मा काम कर रही हैं, किचन में बर्तन वगैरह धुल रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते, क्योंकि बहुत बिजी मैं चल रही हूँ इस समय। मैं पैकिंग कर रही थी क्योंकि कल मैं जा रही हूँ वापस सुल्तानपुर, तो उसी की पैकिंग वगैरह कर रही हूँ, तो समय नहीं मिल पा रहा था मॉर्निंग से अपना वीडियो स्टार्ट करने का। इस वजह से दोपहर से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो मम्मा अभी कर रही हैं किचन का काम, और आज मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि वो लोग इलाहाबाद के अंदर ही गोविंदपुर में ही रहते हैं, तो वहाँ से आना आसान हो जाता है। और फिर कितना भी रहता है ना कि अगर पास कोई रहता है तो उसे मिले बिना नहीं जाने का मन करता, तो मैं जा रही थी तो मैंने बोला भी अन्नू से कि आ जाओ मिलने के लिए, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ। तो यहाँ भाभी काट रही हैं प्याज, क्योंकि इस रात की तैयारी हो रही है डिनर की। जैसा कि मैंने बताया मेरे सिस्टर आ रही है, तो पनीर मखनी बनेगा, सॉरी मटर पनीर बनेगा, और पनीर की सब्जी और सूखी सब्जी बनेगी, और चावल बनेगा, रोटी बनेगा। तो ये रहेगा आज का खाना शाम का, तो उसी की तैयारी चल रही है। मम्मा काम कर रही हैं, तो कहते हैं ना जब पास पास सिस्टरें रहती हैं। अभी हम लोग हाल ही में शादी में मिले थे और थे भी साथ में, लेकिन फिर भी 4-5 दिन हो गया हम दोनों में गैपिंग का, तो काफ़ी टाइम लग रहा था मुझे। और मेरे मैरिज एनिवर्सरी पे भी वो नहीं आ पाई थी क्योंकि बाबू की तबीयत ख़राब चल रही थी, मतलब कियारा की, इस वजह से। तो मैं कल जाने वाली थी, उससे फ़ोन पर बात की तो कही कि आज उनके हस्बैंड ने बोला कि चलो चलते हैं फिर मिलने के लिए, तो आज वो लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। तो यहाँ मम्मी कर रही हैं काम, तो इस तरीके से मेरा वीडियो का शुभारंभ हो रहा है आज। तो चलिए फिर देखते हैं क्या हो रहा है घर में। क्या बना दीजिए डॉल को, कहाँ रखी है? तो आज मैंने सोचा था कि भाभी को फुल वीडियो में कवरेज ज़्यादा दूंगी। कौन है मेरे वीडियो में छाया हुआ आज, आप खुद देख लीजिए। तो ब्रूनो भी हैं, टुक टुक भी हैं, तो इस तरीके से चल रहा है। और किचन का काम वगैरह, तो भाभी अभी प्याज वगैरह जो काट कर रखी थी उसको चॉपर में चॉप करेंगी महीन से। साथ में भी मैं भी हेल्प करा रही हूँ, लेकिन बीच बीच में मुझे रिकॉर्डिंग भी करना है, क्योंकि मैंने अपना ट्रायपॉड लेके नहीं आया, तो हाथ की सहायता से ही मैं रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ जितना हो पा रहा है। बाकी मैं बच्चों के कपड़े वगैरह भी देख रही हूँ कहाँ रखा हुआ है, सारा मुझे पैक भी करना है, क्योंकि कल ही मॉर्निंग में शायद मैं निकल जाऊँगी, या तो शाम वाली से, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो इधर टुक टुक और रिद्धि की मस्ती चल रही है, वो खेल रही हैं लुक्का छुपी जो गेम होता है वैसे ही टाइप का, और फिर टुक टुक को आवाज़ लगा रही हैं। तो बच्चों के भी खेल में भी हम लोगों का समय बीत जाता है, और घर के काम में भी। आज ब्रूनो थोड़ा सा लेजी लेजी मुझे लग रहे हैं, नहीं तो वो भी बच्चों के साथ हमेशा इनक्लूड रहते हैं। ब्रूनो का एक्चुअली बच्चे बहुत पसंद है, ब्रूनो मेरा डॉगी जो कि है, और बहुत ही क्यूट पपी है ये। तो इस तरीके से बच्चे कर रहे हैं टाइम एक्सपेंस भी कह लीजिए, या गेम खेल रहे हैं। तो ये है मेरी मम्मा। हाँ।
तो इधर मेरे सामान हो गए हैं पैक, मैंने लगा दिया है लाइन से। ये दो लगेज, बैग, झोले जो भी हैं 5-6 हो जा रहे थे। तो सामान वगैरह सब पैक हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ वापस सुल्तानपुर। और बच्चे पीछे से जो आवाज़ आ रही, बच्चे खेल रहे हैं। तो अब काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है यहाँ पे, तो अब निकलना होगा हम लोगों को अपने घर। तो कल मैं निकल जाऊँगी सुल्तानपुर, जी हाँ। तो फिर चलिए, नेक्स्ट का ब्लॉग आपको वहीं से दिखेगा। कल जा रहे हैं घर, इस वजह से बन रहा है आज स्पेशल भाभी के हाथों का पनीर मक्खनी रेसिपी। और हमारे यहाँ रसोई वाला रसम हो चुका है उनका, लेकिन वो मैं सूट नहीं कर पाई थी। मेरे यहाँ मीठा कुछ बनाते हैं, हल्दी कुछ वाते हैं नई दुल्हन से। गोरखपुर वाला रसम होता है हमारे साइड, आप लोगों के यहाँ क्या होता है आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चे पीछे खेल रहे हैं, तो आज स्पेशल कुछ बनना। और कल सुबह मैं निकलूँगी सुल्तानपुर के लिए। तो फिर चलिए, अब नेक्स्ट ब्लॉग आपको उधर ही का मिलेगा। तो इधर भाभी ब्रूनो को खाने के लिए मम्मी बोल रही थी देने के लिए, लेकिन वो सुबह खाना खा चुका है भाभी ने बोला, लेकिन फिर भी रोटी मम्मा करी थी, देख के देखो खाता है। तो वो ब्रूनो रोटी खा रहे थे, सादी रोटी वो दूध के साथ नहीं खा रहे थे। तो मम्मा ने कहा कि नहीं, दूध में फिर से सान के देते हैं। पता नहीं क्या हुआ है, सुबह से ब्रूनो दूध रोटी नहीं खा रहे और सादी रोटी मांग रहे, मतलब सिंपल रोटी खाने का उनका आजकल मन कर रहा है। लेकिन मम्मा मेरी बहुत फिक्र करती है डॉगी का, तो वो कह रही नहीं दूध रोटी देते हैं, देखे खा लेता है कि नहीं। तो एक छोटा सा जो बच्चा नहीं होता है हमारे मायके का, ये डॉगी इस घर का बच्चा। तो जैसा कि कल हम जाने वाले हैं, तो इस वजह से मेरी सिस्टर भी आज आ रही है मुझसे मिलने के लिए। अभी 5 days हुआ है उसको गए हुए। वो कब गई थी? वो गई है, वो 5 days भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, 7, 27, 28, 29, मतलब 4 दिन हुआ है। लेकिन मैं जा रही हूँ अपने घर, तो सुल्तानपुर वापस। तो आज इसी वजह से स्पेशल बन रहा हूँ। अपनी सिस्टर और उसके हस्बैंड को भी मैंने बुलाया, ताकि लास्ट टाइम हम लोग मिल लें, मीट टू मीट हो जाए। क्योंकि काफ़ी टाइम एक ही शहर में रहने की वजह से वो कभी भी आ जाती हैं यहाँ पर। यही बेस्ट पार्ट होता है ना, कि अगर एक ही शहर में रहे ससुराल, तो कभी भी मायके आना जाना और अपने रिलेटिव से आप आसानी से मिल लेते हैं। तो बस, तो अनु आज आएगी शाम में, अभी मतलब 5 बजे, और इस समय 3:30 बज रहा है, घर में तैयारी चल रही है। तो अनु से भी मिल लेंगे और कल सुबह मैं निकल जाऊंगी घर अपने। काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पर रहे भाभी के साथ और फैमिली के साथ, एक मन सा लग जाता है। लेकिन घर तो जहाँ रहते हैं वहाँ वापस जाना ही पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। तो फिर सारी पैकिंग वगैरह मेरी हो गई है, बच्चों की भी पैकिंग मैंने कर ली है, बाकी छोटे मोटे चीज़ें रची हैं वो मॉर्निंग में रख लूँगी मैं। और फिर कल निकल चलेंगे सुल्तानपुर। और हस्बैंड जी पहले ही जा चुके हैं, क्योंकि पुलिस वालों को ज़्यादा छुट्टी मिलती नहीं है। तो भैया जाएगा मेरा मुझे लेकर के, बाय रोड हम लोग कार से ही जाएंगे, नहीं तो देखिए ट्रेन होगा तो ट्रेन से भी। अभी मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि किससे जाएंगे, हो सकता है कार से भी जा सकते हैं और ट्रेन से भी जा सकते हैं। लेकिन कार के साथ मेरी थोड़ा सा दिक्कत है, मुझे वॉमिट बहुत होती है कार में, चाहे मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे जाने में नहीं होती है, मैक्सिमम 5 से 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, 25 किलोमीटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब 60 किलोमीटर या 35 किलोमीटर ऐसे जाना पड़ता है, तो मुझे बहुत वॉमिट होता है। और हाँ बेटा, चला लीजिए, ले लीजिए साइकिल। अच्छा, मैं निकाल दे रही हूँ आपके लिए। तो उससे मुझे बहुत वॉमिट होता है, चाहे कितना भी गोली दवा खा लो, लेकिन मुझे कोई असर नहीं करता है। तो देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं है कि कार से जाते हैं कि ट्रेन से जाते हैं, वो कल पे डिपेंड करेगा। तो इधर मैं रिद्धि की साइकिल निकाल दूँ। लीजिए रिद्धि, निकाल लीजिए। वेलकम। तो रिद्धि की साइकिल निकल गई है, तो रिद्धि चल रही है करने साइकिलिंग। ब्रूनो क्या कर रहा है? ब्रूनो भूभू कर रहा है, और वो रिद्धि साइकिलिंग कर रही हैं। ओहो, गिर गई साइकिल।
और वो टुक टुक वॉकर में, अभी भी इतनी बड़ी हो गई लेकिन वो वॉकर ही में ही चलती हैं। कियारा का वॉकर रखा हुआ है तो उस पर वो साइकिलिंग कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं वॉकर को। हाँ वॉकर चला रहे हैं बाबू, वो है टुक टुक, ये है रिद्धि, वो देखिए वो छोटा बेबी बन गया है, छोटा बेबी बन गया है। बहुत उनको मज़ा आता है पता नहीं क्यों वॉकर में बैठने में। तो चलिए चलते हैं अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है आटा जा रहे सामने। अब हम लोग चल रहे हैं काम करने। काम करने से पहले घर में हम लोग म्यूजिक लगा लेते हैं, कोई भी पसंदीदा गाना, और थोड़ा सा डांस करते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं जिससे एनर्जी आ जाए। वैसे डांस करने से एनर्जी लॉस होती है लेकिन हम लोग जब डांस कर लेते हैं तो फ्रेश हो जाता है। तो हम लोग ये सब नाटक घर में करते रहते हैं, जब मन करता है तब नाचने लगते हैं। और डांस ऐसा है कि मन खुश हो जाता है और बहुत अच्छा होता है, प्लस एक्सरसाइज भी हो जाता है, तो दोनों काम आसानी से हो जाते हैं। डांस करने से हेल्थ भी अच्छी होती है मेरे ख्याल से, मूड भी मस्त हो जाता है। तो हमारे घर में जब भी कोई काम होता है या करना रहता है किचन का, तब गाना लगा करके उसके साथ होने लगता है हम लोगों का घर का काम भी, और साथ में डांस भी चलता रहता है। तो इस तरह से चलता है हमारे घर का काम और मस्ती। तो मैं डांस पागलों जैसे कर रही थी, मुझे कोई, मैं ट्रेंड डांसर नहीं हूँ, मुझे कोई अच्छे से स्टेप नहीं आता, लेकिन जब मुझे नाचने का मन करता है तो जैसे मन करता है वैसे मैं नाचती हूँ। मुझे बस मस्त रहना, खुश रहना और किसी चीज़ को अच्छे से इंजॉय करना बहुत पसंद है। तो उस तरीके से कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और बच्चों के साथ भी। तो बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा चलिए डांस करते हैं। एक्चुअली भैया की शादी में बहुत नाचे थे तो अब अच्छा लगता है फैमिली के साथ इस तरीके से करना, और काफ़ी मज़ा आता है। तो भाभी भी इंजॉय कर रही थी हम लोगों को देख के, उनका भी मन कर रहा था, लेकिन वो कैमरा में नहीं आना चाहती थी, वो कही तुम कैमरा ऑफ़ करो तब मैं डांस करूँगी। तो यहाँ हम लोग पागलपंती शुरू कर दिए हैं अपनी। तो इधर मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड आ चुके हैं, और बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट और खिलौने लेकर के आए हैं। टुक टुक के लिए गुड्डा और कैटरपिलर है, देन रिद्धि के लिए है बारबी डॉल सेट एंड बॉक्स बारबी वाला। तो यहाँ पे चल रही है मस्ती, बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस पल को, बच्चे भी बहुत खुश हैं। तो काफ़ी बच्चे खुश हैं। तो रिद्धि कह रही थी मामा पास से दिखाइए, तो मैं जा रही हूँ पास से आपको दिखाने इन लोगों को टॉय। तो इनकी मासी और मौसा लेके आए हैं, तो सब अपना अपना ले लिया अपने हाथ में, और टुक टुक भी बहुत खुश हैं इसको ले करके कैटरपिलर को। तो ये है रिद्धि का बारबी वाला बॉक्स एंड बारबी डॉल का पूरा सेट है उसमें। रिद्धि को एक्चुअली बहुत पसंद आते हैं बारबी डॉल के सेट, जिसमें कंघी और कपड़े और सीसा ये सब रहता है, ताकि उसको बदल बदल के कपड़े पहना सकें। और ये बॉक्स भी उनको बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि इस पर बारबी डॉल बनी हुई है। और टुक टुक को सॉफ्ट टॉयज ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे कि एक एक्टर पिलर हो गया, टैडी हो गया, ये सब तो बहुत प्यार से ली भी हुई हैं। और पिगी पैन भी है उनके पास, जो पैसा डालने वाला गुड्डा, उसमें आप पैसा सेव कर सकते हैं। तो टुक टुक दोनों को ली हुई हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी। नहीं अभी नहीं है, वहाँ खोलिएगा।
देखिए इतनी प्रिंसेस का गिलास। बहुत सुंदर डॉल है तुम्हारी। टॉयज, ये सारे टॉयज किसके हैं? मेरे टुक टुक के हैं टॉयज। टुक टुक का टॉयज कौन सा पसंद है? टुक टुक क्यारू आ गई ये क्या? आ गया मेरा बच्चा, मेरे बाबू आ गया। अरे यार ये क्या टुक टुक क्यारू है? क्यारू आ गई, रिद्दू खिला रही है। रिद्दू दीदी टुक टुक खिलाओ, कालू बाबू खिलाओ। इधर भाभी बना रही खाना, तो मैं भी जा रही हूँ भाभी के साथ हेल्प करने। काफ़ी लोग मिल के बनाते खाना, अकेले भाभी नहीं बनाएंगी। तो बाकी सब्जी तो भाभी अकेले बना रही हैं। तो फिर यहाँ मैं आ गई अपनी सिस्टर के पास समय बिताने के लिए, उससे बातें करने के लिए। तो मैं और मेरी सिस्टर बातें करेंगे, और मैंने सारी पैकिंग कर ली है और काम भी वगैरह करना है घर का। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, बाय बाय एवरीवन।